गुरु भक्ति की बहुत ही सुंदर चर्चा इस भजन के अंदर आई, और वो तुम्हारे उल्लास से मुझे समझ में आ रहा था कि तुम्हें समझ में आ रही है। शब्दों में रस भरते हैं उनका भाव, जब तक उसका भाव ना पता हो उस शब्द तो मात्र जड़ पुद्गल है, नथिंग मोर देन अ मैटर। आशय समझ के भक्ति गाना, भक्ति टीम को तो मैंने हमेशा कह रखा है, आशय समझे बिना जब भी तुम कितना भी सुंदर गा लोगे, कितना भी सुचारू ढंग से गा लोगे, लेकिन यदि आशय नहीं पता तो कुछ उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो जब तुम लोग गाते हो, कोई शिष्य गुरु चरणों में शीश झुकाता है, परमात्मा खुद आकर उसे आशीष, उस पर आशीष लौटाता है। ये परमात्मा यानी कौन, क्लियर कर लेना, ये परमात्मा किसे कहा है? ईश्वर, भगवान, सदगुरु, परम गुरु, कितने सारे ऑप्शंस आ गए। मैं तो सबके लिए सहमत हूँ, तुम जो भी बोलना चाहोगे, मेरी सहमति किसी न किसी अपेक्षा से सभी के साथ है। कोई शिष्य गुरु चरणों में जब शीश झुकाता है, यानी शीश झुकाना यानी क्या, समर्पण करना, किसका समर्पण करोगे, तुम्हारे पास है क्या? हाँ, अरे तुम्हारे अहंकार का मैं क्या करूँ? हाँ, ऐसी कोई बात, ये ना, ये स्त्री वर्ग थोड़ा समझदार दिख रहा है आज मुझे। शिवरात्रि का प्रभाव इन लोगों के दिमाग से जा रहा है, वो लुनेटिक्स वाले अब वापस रियल होते जा रहे हैं। आई गॉट टू नो दैट। सो अर्पण क्या करना है, जब भी अर्पणता की बात आए ना, प्रेम अर्पण करना है, भक्ति अर्पण करनी है, समर्पण अर्पण करना है, श्रद्धा अर्पण करनी है। और अभी अभी मैं राजकोट धर्म यात्रा में थी तो मैंने श्रद्धा की व्याख्या की। श्रद्धा क्या है, किसे हम अर्पण करेंगे? श्रद्धा बड़ा ही सुंदर और गहरा शब्द है, मोस्ट यूज्ड बट मोस्ट रॉन्गली अंडरस्टूड। बहुत श्रद्धा है जी हमें आप में, व्हाट डज इट मीन? आपको मुझ में बहुत श्रद्धा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो राजकोट के सत्संग में मैंने बात करी थी एक कि श्रद्धा किसे कहते हैं, क्योंकि वहाँ का पूरा वर्ग परम कृपाणु देव को मानता है और कहते हैं हमें बहुत श्रद्धा है परम कृपाणु देव में। तो उनको थोड़ा क्लियर कर लिया, मैं उन्हें बोल तो नहीं सकती कि आप में श्रद्धा है या नहीं है। हु एम आई टू जज देयर फेथ? हु एम आई? नथिंग, नोबडी। मैं तुम्हारी श्रद्धा को हाँ फिर भी जज कर सकती हूँ, आई एम समबडी फॉर यू बट नोबडी फॉर देम। तो मैंने उनको कुछ खाली एक चेक पॉइंट दे दिया कि तुम चेक कर लेना, तुम परम कृपाणु देव के आगे पीछे इतना घूमते हो उनके वचनामृत के आसपास, तुम्हारी श्रद्धा भी रियल है कि वही इट इज़ जस्ट अ ब्लाइंड बिलीफ सिस्टम, श्रद्धा के नाम पर अंधविश्वास में हो कि फिर वास्तविक आस्था में हो, ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो तीन बातें कही थी मैंने वहाँ भी, श्रद्धा यानी क्या। तो पहली बात कि जिनको देखकर, जिन्हें देखकर शरीर नहीं उनकी दशा दिखे, दशा, व्यक्तित्व बाहर चाहे कैसा भी है लेकिन तुम्हें उनके उस व्यक्तित्व के अंदर उनकी दशा दिख रही है, तो ये श्रद्धा का पहला मौलिक गुण है। तुम्हें व्यक्ति दिख रहा है, सुंदर व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, पतला हो गया है, आज नई शॉल ओढ़ के आया है, तो गुरु भक्ति में चलेगा ये भी, आई एग्री, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ केवल बाह्य बाह्य दिखता है तो वो श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति का आकर्षण है। मैं कितनी बार तुम लोगों को समझाती हूँ, और मैं तुम लोगों को इसलिए समझाना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं इन्हीं कारणों से दूसरे लोगों को अटकते हुए देख रही हूँ। तो तुम लोग ना अटको उसके लिए बार बार सावधान करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि तुम लोग इसमें अटक रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया इसमें अटकती है, वो व्यक्ति के बाह्य आकर्षण को अपना समर्पण मान लेती है,
वो व्यक्ति का आकर्षण है, व्यक्तित्व का आकर्षण है। और कोई व्यक्ति जब आत्मभाव में इतना गहरा डूबा हुआ हो तो उसके प्रति आकर्षित हुए बिना तुम रह भी नहीं सकते। लेकिन इस आकर्षण को अपनी श्रद्धा तभी मानना जब पहली बात उसका दर्शन हो और दशा दिखे। दर्शन होते ही दशा दिखे, और इसीलिए चित्रपट हम लोग घरों पे रखते हैं, इसीलिए प्रतिमाएं सजा सजा के बना बना के हम लोग अपने घरों में रखते हैं, प्रतिमा को देखने के लिए नहीं लेकिन उस प्रतिमा के भीतर जो दशा चल रही थी ना उसको देखने के लिए। तो दर्शन होते ही यदि तुम्हें दशा नज़र आ जाए कि किस भाव में थे, किस तरह से उन्होंने जीवन व्यापन किया, ये स्मरण में आ जाए, इसे कहा जाता है श्रद्धा। फिर दूसरी बात कही कि उनका वचन श्रवण होते ही, उनके मुख से जो भी बात निकलती है वो वचन सुनते या वचन को पढ़ते ही, क्योंकि कृपाणुदेव की बात चल रही थी तो वहाँ पर उनका अक्षरदेह मौजूद था, तो उनका वचन पढ़ते ही या वचन श्रवण करते ही हमारी बाहर भागती वृत्ति कुछ देर के लिए विश्राम को प्राप्त हो जाए। इससे श्रद्धा का है, एक तरफ तुम गुरु का वचन भी पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारे संसार के भी विचार चल रहे हैं, एक तरफ तुम सत्संग की सभा में भी बैठे हो और दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर संसार के विचार भी चल रहे हैं, ये श्रद्धा नहीं है। ये तो कोई पुण्य का योग हो गया कि तुम किसी ऐसी सभा में आ गए हो, लेकिन इसे श्रद्धा का लेबल बिल्कुल मत देना। और तीसरी बात मैंने कही, तुम लोगों ने देखा कि नहीं वो सत्संग, ओके डे वन, अच्छा दो दिन का था, शायद डे टू का आया ही नहीं, कुछ ऐसा हो गया। तीसरी बात मैंने उनसे कही, पहली बात क्या कही, दर्शन होते ही दशा दिखे, दूसरी बात क्या कही, वचन श्रवण होते ही या वचन का पठन पाठन होते ही तुम्हारी वृत्ति कुछ देर के लिए तो विश्राम को पा जाए। यदि दो घंटे का सत्संग है तो कम से कम क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि दो घंटे बाहर जाती वृत्ति तुम्हारी विश्राम को प्राप्त होगी, कि यहीं पर दो घंटे सत्संग किया और बाहर निकल के प्रभु शॉल कहाँ से खरीद के लाए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जिनका स्मरण आते ही, स्मरण कोई भी उनका वाचिक स्मरण, उनके एक साथ बिताए कुछ पलों का स्मरण, कोई भी स्मरण आते ही, उनके जीवन की किसी भी स्थिति का स्मरण आते ही, उनका स्मरण आते ही अन्य भाव छूट जाए और आत्मभाव की कोई ना कोई तरंग उछल आए तुम्हारे अंदर, तो इसे श्रद्धा कहा जाता है। ये श्रद्धा के तीन पहलू, वहाँ पर तो मैंने इसे भूत वर्तमान और भविष्य से जोड़ा था, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं कहती हूँ सब कुछ वर्तमान है, सभी कुछ तुम्हारे को वर्तमान में दर्शन करते ही दशा दिखे, वचन श्रवण करते ही वृत्ति विश्राम में आ जाए। दो घंटा सुना है तो दो घंटे तो वृत्ति विश्राम में होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपने यहाँ राज परिवार में भी लोगों को बोल रखा है जो खाना पीना है पहले खाओ, रिटर्न में आके तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है, रिटर्न में आने के बाद कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कुछ भी नहीं। इवन हम लोगों का तो कुछ ऐसा सिस्टम भी ऐसा है कि इवन धम्मपद के जो सत्संग होते हैं उसके बाद भी हम लगभग 3-4 घंटे बाद अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भी पूरी मर्यादा रहती है। और तुमने भगवद गीता में भी देखा ही होगा, तुम लोगों के लिए ठीक है जो व्यवस्था थी तुम्हें तो उस व्यवस्था में रहना है, लेकिन हम जब अपने नियम खुद बनाएंगे तो हम इसी तरह बनाएंगे कि 2 घंटे यदि धम्मपद का सत्संग चला है तो उसके 2 घंटे तक तो हमारी वृत्ति बाहर की पौद्गलिक वस्तुओं में भागने ही नहीं चाहिए। तो वचन श्रवण करते ही वृत्ति विश्राम में आ जाए, दर्शन करते ही दशा दिख जाए, और कोई भी वृत्तांत स्मरण में आ जाए, कोई भी बात तुम्हारे साथ रेलवे स्टेशन पर बैठे थे वो भी विचार आए, स्मरण आए और अंदर में तरंग उठाए, इसे कहा जाएगा कि तुम श्रद्धा से भरे हो। बहुत जरूरी है ये तरंग, इस तरंग के बिना तो श्रद्धा अधूरी। इसलिए जब आपने गाया कि कोई शिष्य गुरु चरणों में शीश झुकाता है, इसका मतलब मैं यही लेती हूँ श्रद्धा से भरता है, शीश झुकाना यानी श्रद्धा से भरता है। जब इस जाति की श्रद्धा होगी, जो बात मैंने अभी 3 पॉइंट्स में तुम्हें बताई, जब इस जाति की तुम्हारी श्रद्धा होगी ना, तभी समझना कौन परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, गले से लगाता है, दीप जलाता है, वरदान
ऐसा भी कुछ गया, वरदान दिलाता है, सब कुछ परमात्मा यानी वो ईश्वर, ईश्वर, और वो करेगा किसके माध्यम से? सदगुरु के माध्यम से। इसलिए तुम्हारा दीप भी सदगुरु जलाएगा, वरदान भी सदगुरु देगा, गले से भी सदगुरु लगाएगा, आशीष भी सदगुरु देगा, लेकिन कब? जब तुम्हारे रोम से वो श्रद्धा की तरंग उठेगी, मात्र तभी। श्रद्धा आशय समझना है। ज्ञानियों ने शास्त्रों में विवेक की बात की है, और ये विवेक तीन प्रकार से होना बहुत आवश्यक है। पहला तो शब्द विवेक, तुम्हें शब्द का अर्थ पता चलना चाहिए। बात परमात्मा से भगवान की चल रही है या ईश्वर की चल रही है, सदगुरु की चल रही है या सहजात्म स्वरूप परम गुरु की चल रही है, तुम्हें पहले ये शब्द का विवेक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शब्द यहाँ पर क्या है। जैसे हम लोग एक बार कहीं अमेरिका में धर्म यात्रा पर थे, शुरू शुरू की बातें हैं, तो किसी घर के अंदर ही कुछ लोगों के बीच सत्संग हो रहा था, और वहाँ बड़ी जबरदस्त ज्ञेय चर्चा चली। ज्ञेय चर्चा, ज्ञेय समझते हो, जो जानने योग्य पदार्थ है उसे ज्ञेय बोला जाता है, और वो लोग सब चुस्त सत्संगी थे, दिगंबर संप्रदाय को बिलोंग करते थे, तो उसमें ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय की बहुत, त्रिपदी की बहुत बातें आती है, तो उन्होंने हमसे छेड़ दी ज्ञेय चर्चा, तो हमारा भी वो इनिशिएट हो गया अंदर से, तो हमने भी खूब 2 घंटे उनसे ज्ञेय के ऊपर बातें की। जो लोग हमारे साथ अभी नए नए आए थे, जुड़े थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, उनके चेहरों पर कोई रोमांच नहीं दिख रहा था। मुझे सत्संग के बाद मैंने उन लोगों से पूछा, तुम्हें क्या हुआ था आज? कहते, हमें लगा आज प्रभु ज्ञेय की चर्चा में क्यों लग गए हैं। अरे, मैं ज्ञेय की चर्चा कर रही थी, उन्हें लग रहा था मैं ज्ञेय की चर्चा कर रही हूँ। और ये इसे कहा जाता है शब्द का ही अविवेक है, मतलब उन्हें वो शब्द का अर्थ ही नहीं पता कि ये ज्ञेय शब्द, शब्द का अर्थ छोड़ो, वो शब्द भी एग्जिस्ट करता है, यही उन्हें नहीं पता। कितनी बार ऐसा होता होगा, आप लोग भी जब कबीर वगैरह की भक्ति गाते होगे, तो आपको समझ ही नहीं आता होगा ये शब्द क्या है, तो तब वहाँ पर वो शब्द विवेक को जगा लेना, यानी मुझसे आकर पूछ लेना, प्रभु ये शब्द है क्या, व्हाट डज इट मीन। उसके बाद उसका आशय विवेक शुरू होता है कि अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन एंड दिस सिचुएशन एंड दिस भक्ति, व्हाट डज इट मीन। क्योंकि शब्द तो थोड़े हैं और आशय बहुत ज़्यादा है, तो हर भक्ति में कुछ न कुछ अलग आशय से शब्दों को पिरोया जाता है। तो तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जब परमात्मा वर्ड इस भक्ति में आ रहा है तो वह ईश्वर की बात है, जब परमात्मा वर्ड किसी और भक्ति में आ रहा है तो भगवान महावीर की बात हो सकती है, जब परमात्मा शब्द किसी तीसरी भक्ति में आ रहा है तो वो गुरु की भी बात हो सकती है। तो ये आशय भेद का जो विवेक है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। और तीसरा विवेक कहते हैं आचार विवेक, आचरण का जो विवेक, यानी अब मुझे इसमें क्या करना है, ये विवेक, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि समझ तो सब कुछ आ जाता है लेकिन आचरण में नहीं आ पाता। जब श्रद्धा होती है और जब विवेक होता है, यानी फेथ एंड विस्डम, दो चीज़ें हैं, एक है श्रद्धा यानी फेथ और दूसरी विवेक यानी विस्डम, ये जब दोनों साथ चलते हैं तभी मनुष्य के जीवन में वो परम गुरु प्रकट होने की संभावना प्रकटती है। खाली विवेक है पर श्रद्धा नहीं है तो भी कहते हैं बिना श्रद्धा के विवेक पंगु होता है, और खाली श्रद्धा है विवेक नहीं है तो बिना विवेक के श्रद्धा अंधी होती है। इसलिए श्रद्धा और विवेक का समन्वय इकट्ठा चलना चाहिए। दूसरे दिन के सत्संग में भी मैंने उन लोगों से काफ़ी सारी बातें करी थी, राजकोट के लोगों से, कहीं वो सत्संग निकल आए तो डाल देना, अपनी कोशिश करो, फाइंड आउट करो, बिकॉज अगेन 883 वचनामृत के आधार पर धार्मिक कौन है, इस मार्ग पर चल कौन पड़ा है, उसकी बातें की थी। वैसे तो उसकी कुछ बातें मैं यहाँ सत्संग में तुम्हारे साथ करती ही रहती हूँ, लेकिन वहाँ के लोगों को भी वापस थोड़ा जागृत करने के लिए उन्हें पुनः पुनः बताना पड़ता है कि धार्मिक कौन। 5 बातें बताई थी, वो भी सुन लो, क्योंकि तुम्हें बताए बिना मेरे पेट में हजम नहीं होगी। वो धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है, सालों से मैं कह रही हूँ और अब तो समझा भी रही हूँ, उसकी बुद्धि वैज्ञानिक होती है। बुद्धि वैज्ञानिक, वो कारण कार्य संबंध को बहुत अच्छे से समझता है। जीवन में यदि दुख है तो दुख का कारण
भीतर है तो फेरफार कहाँ करने का, और हम फेरफार कहाँ करते हैं? कब तक बाहर करेंगे, कब तक कोशिश कर रहे हैं प्रभु? बस तुम्हें इतना ही बोलने का, प्रभु कोशिश चल रही है। पहले 10 में से 10 बार बाहर करते थे, अब 10 में से कम से कम 8 बार 7 बार हम लोग इतना तो एटलीस्ट इवॉल्व। तुम थोड़ी मुझे मोटिवेशनल बातें बोला करो, आई शुड बी मोटिवेटेड फॉर दिस सत्संग। अगर तुम अभी भी 10 में से 10 बार बाहर ही फेरफार कर रहे हो तो फिर आई डोंट फील मोटिवेटेड फॉर दिस सत्संग। मुझे कुछ तो फेरफार तुम में दिखे ना, तब तो मैं भी कुछ एफर्ट्स करूँ। तो पहला तो बुद्धि कैसी होती है उसकी, बिल्कुल साइंटिफिक कॉज एंड इफेक्ट वाली पूरी प्रोसेस को वो समझता है, जो हमने अभी धम्मपद के सत्संग में भी देखी। कॉजिंग एंड इफेक्ट या कॉज एंड इफेक्ट, ये बहुत उनको बहुत अच्छे से पता है। दूसरी बात आती है उसकी शक्ति कैसी होती है, तो मैंने हमेशा कहती हूँ क्षत्रिय जैसी। क्षत्रिय कैसा होता है, दुश्मन दिखा नहीं और मारा नहीं, उसका सफाया किया नहीं। यहाँ इसके दुश्मन कौन है इस मार्ग पर, स्वयं के दोष। तो जहाँ दोष दिखे नहीं और उनका सफाया हमने किया नहीं। हाँ, तकलीफ कहाँ होती है कि जब तुम्हें मालूम है कि ये गलत है और फिर भी तुम अपने मन को समझा नहीं पाते कि इस गलत से कैसे बाहर आना। कितनी बार ऐसी दुविधा होती होगी तुम्हारे जीवन में भी। अच्छी तरह से मन को पता है कि ये विषय का सेवन, ये वासना का सेवन, ये गलत है। अच्छी तरह से मन जानता है, करने से पहले भी, करने के समय में भी और करने के बाद भी, लेकिन क्या करे उससे मन अटकता ही नहीं है। ये दुर्योधन वृत्ति हमने डिस्कस की थी भगवद गीता के सत्संगों में। तब क्या करना, क्षत्रिय जैसी शक्ति को जगाना कैसे? सत्संग तो कारण है ही, सत्संग में आते आते तुम में वैसा साहस जगेगा, लेकिन सत्संग तो 15 दिन में एक बार मिलेगा तुम्हें। लेकिन दिन में कितनी ही बार ऐसा हो जाता है जब तुम्हें पता है ये गलत है लेकिन फिर भी मन उसी की तरफ भागता है, तब क्या करना? तो मैं अभी अभी किसी को समझा रही थी कुछ दिनों पहले भी, मैं उस पर एक कुछ लिखने के बारे में भी सोच रही हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है ये प्रोसेस? जब भी तुम्हारे को पता है कि गलत है, मन जानता है गलत है, फिर भी गलत करने में ही उसे मज़ा आ रहा है या मजबूरी है, मज़ा भी नहीं आ रहा क्योंकि मजबूरी है कहीं ना कहीं मन की कि वो उस गलत से लौट के ही नहीं आ पा रहा, यहाँ पर अब करना क्या? क्योंकि जब वो लौट कर आता है तो उसको इतना खेद, इतना पश्चाताप होता है, इतनी सेल्फ हेट्रेड, इतनी सेल्फ गिल्ट क्रिएट होती है कि उसको कभी कभी सुसाइड का ख्याल आ जाता है कि मैं तो मर जाऊँ, या कभी कभी उसे सत्संग छोड़ने का ख्याल आ जाता है कि इतने सत्संग कर रहे हैं लेकिन देखो तो हमारे में तो कोई फर्क ही नहीं। सो बड़ी बड़ी चीज़ों को कंट्रोल में लाना, संयम में लाना, उसके मालिक बनने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें लेने होंगे, उसे ध्यान से समझना। लेकिन उससे पहले क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा तुम लोगों के जीवन में होता है क्या? हाथ खड़ा करो कि तुम्हें पूरी तरह से पता है। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन, तुम्हें पूरी तरह से पता है कि तुम गलत हो और फिर भी तुम वो करते हो। ठीक है, अब ये कुछ हो गया तुम्हारा संस्कार। ऐसा प्रगाढ़ संस्कार तुम्हारे भीतर जा चुका है जिसको तुम अभी जीत नहीं पा रहे। ज्ञान होना एक बात है लेकिन आचरण में नहीं आ पा रहा। एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेतु, एक हमें कोई ऐसा मार्ग बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा। समझ अभी की है, 2 सालों की, 3 सालों की, 5 सालों की, और संस्कार कब के हैं, कितने जन्म के। तो अब संस्कार पर हमारी समझ जीते, उसके लिए मैंने एक प्रयोग निकाला है। उस प्रयोग को समझो, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों से, जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि तुम सभी ने हाथ खड़ा किया कि हाँ ऐसा होता है, हमें मालूम है कि गलत है फिर भी हम वही करते हैं, इसका मतलब संस्कार हावी हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो। जब जब तुम्हारा मन करता है ना ये चीज़ कर लेनी है, टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, आधा दिन, पूरा दिन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि मन इतना तगड़ा हो जाता है ना कि वो गलत काम, पाप में, अपराध में तुम्हें ले जाता है। तो जब अभी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं ना, कुछ खाने का मन कर रहा है, पॉज, स्टेप बैक, थोड़ी देर के बाद।
कहीं कुछ बोलने का मन कर रहा है उसको फटाफट फोन करके मैं कुछ बोल दूं, पॉज, टेक अ पॉज. और इसीलिए मैंने अभी धम्मपद के साथ पॉज, काम, इंड्यूस एंड हील, ये चार बातें डाली है. ये मैं उसी के पहले की प्री डिजाइनिंग तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ. कभी भी कुछ बोल देने का मन करता है ये तो उसको बोल ही देना, टेक अ पॉज. अच्छा है तो अभी कभी बोलो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रोध भड़क रहा है और तुम बोलना चाह रहे हो, टेक अ पॉज. कुछ भी तुम्हारे को लेने का मन करता है, तुम मॉल में गए हो, यू कैन अफोर्ड इट ऑल्सो, तो मालूम है अफोर्ड भी कर लेते हो, बोलो नहीं एक राउंड मार के आते हैं उसके बाद लेंगे. एक राउंड और मॉल का मारोगे या तो भूल जाओगे, और या फिर वो जो मन का हावीपना हो रहा है ना, वो हावीपने में संभल जाओगे. ये छोटे छोटे कार्य करने शुरू करोगे ना, खाना खाने बैठे हो, कोई स्वादिष्ट चीज़ देखोगे और तुरंत मन करता है खाने का, टेक अ पॉज. तुम्हें इसमें बहुत सुविधा होगी क्योंकि तुम तो स्टॉप कर करके खाना खाते हो. तो जो पॉज की बात है, क्योंकि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे दिखता है उसके बाद मैं वेट नहीं कर सकती, फटाफट खाओ, फटाफट उठो, फटाफट दूसरे काम पे लगो. बट व्हेन आई ब्रॉट दिस हैबिट इनटू माय लाइफ, टेक अ पॉज, तो उससे मेंटल रिएक्शन के अंदर भी हमारे पॉज आने शुरू हो गए. इस तरह से यू कैन डेवलप दैट पावर ऑफ क्षत्रिय, क्योंकि तुम्हें आना है कहाँ पर, क्षत्रिय की शक्ति पर. कुछ गलत देखा और शूट किया, लेकिन शूट करने के लिए हाथ ही कांप रहे हैं तो करोगे कैसे? तुम्हारे हाथों को स्टेबल करना पड़ेगा पहले, तुम्हारी गन को लोड करना पड़ेगा. तो ये लोडिंग का काम कौन करेगा? पॉज. जब भी तुम अपने गुड मोमेंट्स में हो, टेक अ पॉज. कोई मूवी देखने का मन करता है, बस तुरंत जाना है, अवेंजर्स देखनी है, तुरंत ही जाना है हमने, कौन सी थी अभी, अवेंजर ही है ना, टेक अ पॉज. संडे के सत्संग के बाद जाना तुम लोग, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आई और अभी देखना है. ये क्या करता क्या है, ये मन को तगड़ा करता है. और फिर जब कोई कुसंस्कार उदय में आता है, वो उदय में किसके माध्यम से आएगा? मन के. और वो मन ऑलरेडी तगड़ा है, तो तुम्हारा कितना भी ज्ञान है वो धरा का धरा पड़ा रह जाएगा. गेटिंग इट? सो दिस इज अ वे. छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े काम होते हैं. यहाँ तुम ये मत सोचो महावीर रातों रात महावीर बन गए. 12 वर्ष लगे उन्हें भी, बुद्ध को भी 6 वर्ष लगे. तुम्हें भी उस यात्रा में निकलना है, एंड बेबी स्टेप्स आर मोर एडवाइजेबल. तुम साधना में कितनी देर स्थिर बैठ सकते हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम अपने दोषों के सामने कितना स्ट्रांगली फाइट करके उसको ओवरकम कर सकते हो, मेरा अभी फोकस केवल तुम्हारे ऊपर उसका है. सो आर वी रेडी फॉर दिस प्रयोग? डिले, डिले. कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है, कोई भी ऐसी आकर्षण है इंद्रिय विषयों के, या कषाय का, मान का, लोभ का, क्रोध का, इन सब के भी तो आकर्षण होते हैं. क्रोध करने का भी आकर्षण होता है, कर डालूं, बोल डालूं, तब तक तो अंदर शांत नहीं हो पाते. डिले, डिले. और ये डिले टेक्निक मैं कितने सालों से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं मैंने पहली बार आज कुछ ऐसी महान बात रिवील की है, लेकिन जिस तरह से तुम लोग तालियां बजा रहे हो, मुझे लग रहा है पहली बार मैंने कोई उद्घोषणा की है. हाँ, इस कंटेक्स्ट में तुम्हें अब समझ में आया कि क्षत्रिय की शक्ति कैसे बनेगी, जब छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे व्यवहार में, छोटे छोटे विषयों में, छोटे छोटे विकारों के अंदर तुम अपने आप को पॉज दे पाओगे. टेक अ पॉज. तीसरी बात कही थी, पहली बुद्धि कैसी होती है, दूसरी शक्ति कैसी होती है, तीसरी मैंने उन्हें बोला, क्या बोला था, हाँ उसकी वृत्ति कैसी होती है. ये तो लुधियाना में बोला था, शायद वहाँ से याद है. वृत्ति नॉन कॉम्पिटेटिव, कोई प्रतियोगिता नहीं किसी से. प्रतियोगिता का इतना ही भाव है तो अपने से, स्वयं से, स्वयं से बेहतर होना है, उससे बेहतर होने वाली नहीं. नॉन कॉम्पिटिटिव उसकी वृत्ति होती है. यहाँ पर भी तुम SRM में आते हो तो तुम्हारी कोशिश होती है उससे अच्छे कपड़े पहन लूँ, उससे अच्छा गा लूँ, उससे अच्छा प्रभु के लिए कुछ अर्पण कर दूँ, उससे अच्छा नहीं, जैसा कल था ना मैं उससे बेहतर अपने आप को बनाऊँ. ये है वृत्ति तुम्हारी, ये धार्मिक की वृत्ति है. अधार्मिक की वृत्ति कैसी होगी? उससे बेटर. अभी तुम्हारे को मार्क्स मिले होंगे ना, इस बार 20 out of 20 नहीं है आपके, पिछली बार 35 में से 35 थे, इस बार अनु प्रभु के 20 out of 20 है. तो आपको ये लगे कि अनु प्रभु
से ज़्यादा चाहिए तो कभी होगा ही नहीं। मेरे पिछली बार 35 थे, इस बार 18.5 है, तो मुझे अपने से बेहतर बनना है, ये धार्मिकता की पहचान है। चौथी बात मैंने कही वहाँ, युक्ति कैसी होती है उसकी, युक्ति होती है हंस जैसी। हंस जिसे हंस के सामने दूध और पानी इकट्ठा करके रख दो ना, तो हंस की चोंच क्या करती है, बिल्कुल दोनों दूध और पानी को बिल्कुल अलग अलग करेगी। और इसीलिए संतों को परम हंस कहा जाता है कि परम हंस योगानंदा तुम पढ़ रहे होगे सभी आजकल, क्यों परम हंस कहा, उन्होंने ऐसा क्या काम किया। अरे संत को तुम जानवर से कंपेयर कर रहे हो, हाँ ये उसके संतत्व की महानता कर रहे हो कि बेचारे को नीचा दिखा रहे हो। संत को हंस के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसकी युक्ति के कारण कंपेयर कर रहे हो। और युक्ति क्या है, हंस के सामने कुछ भी आ जाए फटाक से दूध और पानी को मिक्स कर दो पर वो अलग करेगा। संत के सामने जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें जड़ और चेतन को वो फटाक से अलग कर देता है, ये संतत्व है, ऐसी युक्ति। और उसके बाद फाइनली मैंने उनसे कहा भक्ति कैसी होती है, इन चार के बाद ही भक्ति आएगी। इन चार के बाद जब भक्ति आती है तो उस भक्ति का स्वरूप होता है निष्काम। भगवान से कुछ मांगने की भक्ति नहीं होती, भगवान से कोई प्रयोजन सिद्धि की भक्ति नहीं होती, उसकी भक्ति इसलिए होती है बस क्योंकि मैं खुश हूँ, उसकी भक्ति इसलिए होती है क्योंकि मुझे मज़ा आता है, उसकी भक्ति ऐसी होती है क्योंकि तुम्हें देने के लिए और तो कुछ है ही नहीं, तुम तो सक्षम हो, मैं क्या दूँ, तो केवल गा के नाच के मुस्कुरा के मैं बांटना चाहता हूँ लौटाना चाहता हूँ, ये उसकी भक्ति होती है। यदि भक्ति पहले आ गई ना तो कामना से पूर्ण होगी, पहले नंबर पर भक्ति आ गई तो कैसी होगी, कामना वाली। लेकिन यदि इस प्रोसेस से आई ना भक्ति, पहला क्या, बुद्धि वैज्ञानिक, शक्ति क्षति, नहीं तो भगवान के पास जा जाके भगवान मेरा ये दोष टाल दे, भगवान मेरा वो दोष टाल दे, तो ये भी तो कामना है। भगवान के पास बार बार जाकर अपना दोष हटाने की जो तुम याचना करते हो वो भी तो तुम्हारा भिखारीपना है। क्यों तुम्हारे अंदर उस दोष के कारण को खोजकर उस दोष को क्षत्रिय की तरह शूट करने की ताकत नहीं है। इसलिए कहा भक्ति को मैंने लास्ट पे रखा, ऑल दो वो पूरा समाज भक्ति प्रधान है तो उन्हें बड़ा थोड़ा ठेस पहुँचा होगा कि क्यों भक्ति को लास्ट में रखा। लेकिन फिर भी जब उन्हें पूरा क्रम समझ में आया देवर जस्टिफाइड कि यस प्रभु क्रम यही होना चाहिए। तो बुद्धि वैज्ञानिक की होगी, शक्ति क्षत्रिय की होगी, वृत्ति अप्रतियोगी होगी, युक्ति हंस की होगी, उसके बाद जो तुम्हें भक्ति प्रकट होगी ना वही मोक्ष का परम साधन है। वही उससे पहले की सारी भक्ति केवल याचक याचना वाला भाव चलेगा। और ऐसी भक्ति अम्बालाल भाई में प्रकटी जरूर होगी और तभी इनको भक्त रत्न कहा जाता है, अम्बालाल भाई को भक्त रत्न। अभी हम लोग गए थे तो मैं इन सबको समझा रही थी छोटी छोटी बातें। अम्बालाल भाई के लिए परम कृपाणु देव का भक्त रत्न है, वो उनको जो उपलब्धि दी जो टाइटल दिया। सौभाग भाई के लिए टाइटल क्या मिला, हृदय सखा, विशेषण है हर एक के आगे, हृदय सखा के मेरे हृदय के मित्र हो तुम। और तीसरे कौन रहे, लल्लू जी मुनि, उनको तो टाइटल दिया लघु राज, लघु लघु मतलब छोटे राज, लघु लल्लू जी महाराज था उनका नाम, लघुराज स्वामी तो बाद में नाम पड़ा, क्योंकि राज जितना तुम में है ना उतना ही छोटे फॉर्म में इस लघु राज में भी है इस व्यक्ति में। तो इन तीनों के नाम भी कितने सुंदर पड़े, एक को भक्त रत्न दिया गया, दूसरे को हृदय सखा। सौभाग भाई तो परम कृपाणु देव थे तभी यहाँ से पसार हो गए, देव से निकल गए। अम्बालाल भाई परम कृपाणु देव के देह विलय के 3 वर्ष के बाद उनका भी जाना हो गया, लेकिन इट वॉज लघुराज स्वामी जिन्होंने परम कृपाणु देव के इतने सारे वचनामृतों का अलग अलग जगह, ये तो भेजे हुए पत्र थे, उन सब पत्रों का संकलन किया, उनका संगठन किया, उसमें से किस क्रम से सब चलना चाहिए ये सारा संशोधन संकलन संगठन का जो कुछ कार्य था वो लल्लू जी मुनि ने किया और इसलिए वो लघुराज स्वामी कहलाए। परम कृपाणु देव ने ये नाम दे दिया था कि तुम लघुराज हो, क्योंकि राज के पूर्ण स्वरूप को लघु स्वरूप में तुम ही प्रकट करोगे, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए ये हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई कारण है किस तरह से सब कुछ जोड़ा गया है।
आ जाओ, आज तो अपने को, आज तो घड़ी नहीं है, कितना ठीक है, आज तो शिवरात्रि ध्यान करना है, तुम लोग तैयार हो ना? मैंने बोला था गौतम प्रभु को कि ऊपर कुछ अरेंजमेंट कराते हैं, लेकिन इतनी आंधी तूफान आ गई शाम को, तो आई थिंक सारी अरेंजमेंट की भी थी, लेकिन देन अगेन वी हैड टू कम डाउन. तुम लोग बंद कमरे के लायक ही हो अभी तो, इसलिए हम यहीं शिवरात्रि मेडिटेशन आज करेंगे. कुछ एक दो वचनामृत देख लेते हैं. ज्ञानी की दशा के ऊपर एक क्लैरिटी दे रहे हैं 487 में, क्योंकि ये सत्पुरुष जानते हैं कि अपनी बात करते करते ही ना, ये मेरे जो भक्त रत्न है, अभी तो अम्बालाल भाई की बात चल रही है, ये भक्त रत्न को मैं अपनी बात बताऊंगा ना, उसी में वो अपना रास्ता खोज लेगा. और ऐसा कितनी बार होता है, तुम लोग भी बोलते हो ना मुझे आप अपने बारे में बताओ, जब मैं अपने से रिलेट करती हूँ तो तुम लोगों को कितने अच्छे से समझ में आती है वो बात. तो यहाँ पर भी वो अपनी दशा की बात वापस अम्बालाल भाई को बता रहे हैं. 487 पेज नंबर 398. बुधवार को एक पत्र लिखेंगे, नहीं तो रविवार को सविस्तर पत्र लिखेंगे, ऐसा लिखा था. उसे लिखते समय चित्त में ऐसा था कि आप मुमुक्षुओं को कुछ नियम जैसी स्वस्थता होना योग्य है, और उस विषय में कुछ लिखना सूझे तो लिखूं, ऐसा चित्त में आया था. लिखते हुए ऐसा हुआ कि जो कुछ लिखने में आता है उसे सत्संग प्रसंग में विस्तार से कहना योग्य है, और वह कुछ फलरूप होने योग्य है. जितना सविस्तर लिखने से आप समझ सकें उतना लिखना अभी हो सके, ऐसा यह व्यवसाय नहीं है. और जो व्यवसाय है वह प्रारब्ध रूप होने से तद अनुसार प्रवृत्ति होती है, अर्थात उसमें विशेष बलपूर्वक लिख सकना मुश्किल है, इसलिए उसे क्रम से लिखने का चित रहता है. कुछ नियमों के बारे में वो अम्बालाल भाई को लिखना चाह रहे थे परम कृपाणु देव, कि तुम लोग के लिए नियम क्यों आवश्यक है. जैसे हम लोग भी छोटे छोटे नियम लेते हैं ना, आज हमने कौन नियम लिया, यहाँ पर कोई ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ये लोग मैं तुम्हें नियम देती हूँ, तुम्हें स्वयं धारण करना होगा कि आज से हम हर चीज में, जहाँ मन बहुत उतावला होता है ना वहाँ पॉज, अशुभ में, विषय में, वासना में, विकार में, कषाय में, जहाँ जहाँ मन उतावला होता है अशुभ प्रवृत्तियों के अंदर, वहाँ वी आर गोइंग टू टेक अ पॉज. परम कृपाणु देव भी ये बात इन्हें समझाना चाहते थे. मान लो आज जो बातें मैंने आपसे कही वही शायद परम कृपाणु देव अम्बालाल भाई को समझाना चाहते हो कि यू हैव टू टेक अ पॉज, लेकिन वो यही लिख रहे हैं कि मेरा व्यापार और मेरा प्रारब्ध कुछ ऐसा है ना कि मैं सब कुछ तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है कि खोल खोल के लिखूं. समय मिलता है तो तुम्हें लिखने के बदले मैं अपनी निज वृत्ति के अंदर, अपनी समाधि भाव के अंदर ही प्रवेश कर जाता हूँ, इसलिए भी नहीं लिख पाता. और जितना समय बाहर रहता हूँ उतना समय व्यापार के अंदर, उस क्रिया के अंदर ही मेरा जा रहा है. मेरे को भी प्रारब्ध का ऐसा उदय चल रहा है. प्रारब्ध यानी जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो उदय योग्य जब हो जाते हैं उसको प्रारब्ध कहा जाता है. जैसे अभी तुम्हारा सत्संग में बैठना, ये प्रारब्ध का उदय है. आधे घंटे बाद तुम्हारा ध्यान करना, ये ध्यान का प्रारब्ध उदय है. जो भी कर्म तुम्हारा भोगने के लिए तैयार हो जाता है उस कर्म को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है. तीन प्रकार के कर्म हमने भगवद गीता में भी वैसे किया था, और शायद कर्म सत्ता पर जब उत्तराध्यन सूत्र के सत्संग चल रहे थे तब भी ये बात चल रही थी. पहला संचित कर्म, यानी जो पहले कर्म किए हैं इकट्ठे होके पड़े हैं. दूसरा आगामी कर्म, जो हम आगे करने वाले हैं. और तीसरा प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान की अपेक्षा से लिए हैं. संचित कर्म सारे पूर्व काल की अपेक्षा से, भूतकाल की अपेक्षा से, जो कर्म इकट्ठे होके सत्ता में जाके स्टोर हो गए. आगामी कर्म फ्यूचर की अपेक्षा से, जो हम आगे जाके करने वाले हैं. और प्रारब्ध कर्म यानी वर्तमान में, और वर्तमान में कितने कर्म एक साथ उदय में आए हैं तुम सोच ही नहीं सकते. आप सत्संग में बैठे हो तो ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय, दर्शनावर्णीय कर्म का, मोहनीय का आया है, वेदनीय का आया है, तभी तो तुम्हें लाइट्स मिल रही है, एसी मिल रहा है. थोड़ी देर बाद तुम्हारा असाता वेदनीय का कर्म शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अभी साता वेदनीय एसी चल रहा है, ध्यान शुरू होते ही सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन तब भी तुम असाता में नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब मोहनीय कर्म का उपशम चल रहा है. पर कोई ना कोई कर्म तो तुम्हारा सतत चल रहा है. परम कृपाणु देव कह रहे हैं प्रारब्ध का उदय ऐसा है, एक तरफ लिखने का मन कर रहा है,
एक तरफ लिखे हुए को सविस्तार समझाने का भी मन कर रहा है, एक तरफ व्यापार व्यवसाय का ऐसा जोर है कि उसको भी करना पड़ रहा है, और एक तरफ आंतरिक दशा ऐसी है कि उसकी तरफ का भी आकर्षण हमारा कम नहीं हो रहा। तो ये सारा इनका क्या है, प्रारब्ध है। ये चारों के चारों जो भी मैंने कहे, लिखने का मन कर रहा है, समझाने का मन कर रहा है, व्यापार का मन है, मन तो क्या होगा, व्यापार की स्थिति है, और आंतरिक भाव में डूबने का भी मन करता है। ये चारों अभी परम कृपाणु देव के क्या है, प्रारब्ध। प्रारब्ध में एक ही कर्म उदय में नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अभी आप सत्संग में आए हैं, हो सकता है तुम्हारी बैक में बहुत पेन हो रहा हो सकता है तुम्हारे पेट में पेन हो रहा है, तो सत्संग में आने का भी प्रारब्ध उदय है, और वो तुम्हारा वेदनीय कर्म जो है उसका भी प्रारब्ध उदय है। इतनी बात का निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध कर्म भोगे बिना निवृत्त नहीं होते। लेकिन यहाँ पर मेक अ नोट कि ये प्रारब्ध कर्म निकाचित कर्म होते हैं। यदि निकाचित कर्म ऐसा होता है जिसे भुगते बिना छुटकारा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कर्म, ऐसा मैंने पहले भी प्रपोर्शन बताया है, 99% जो हमारे कर्म है वो निकाचित नहीं होते, यानी उसको आने से पहले ही टरकाया जा सकता है, यानी उनको किसी न किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उन कर्मों को सत्ता में पड़े हैं और वहीं उनकी निर्जरा करी जा सकती है। यदि ऐसा ना हो तो फिर तो ये पूरे प्रयास का फायदा ही क्या है। आप जो भी कर्म कर रहे हो, जितना भी पूर्व में किया है, जो भी स्टोर हाउस में पड़ा है, उन सब कर्मों को हटाने का कोई ना कोई ढंग है। 99% कर्मों को, ओनली 1% कर्म ऐसे हैं जिसको भुगते बिना छुटकारा नहीं है। और परम कृपाणु देव के जीवन में अभी वो निकाचित प्रारब्ध कर्म आया है। इस लाइन को पढ़कर किसी को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि कर्मों को भुगते बिना तो छुटकारा ही नहीं, तो फिर तो क्या फ़ायदा था ध्यान का, क्या फ़ायदा क्षमापना महापर्व का, यदि हर भूल का हमें दंड मिलने ही वाला हो, हर भूल की हमें पनिशमेंट मिलने ही वाली हो, तो पश्चाताप का क्षमापना का फ़ायदा ही क्या है, टेल मी, कुछ फ़ायदा है कि नहीं। लेकिन पश्चाताप करने से अपवर्तन होता है, ये भी एक बहुत सुंदर टेक्निकल टर्म है जैनिज्म के अंदर, अपवर्तन, यानी जिस अशुभ कर्म के लिए बार बार खेद हो रहा है, बार बार खेद हो रहा है, वो अशुभ कर्म की रस और स्थिति दोनों कम हो जाती है। मतलब अब वो इतना इंटेंसली कभी उदय में आ भी नहीं सकता, और उसकी जो ड्यूरेशन है, रस यानी इंटेंसिटी और स्थिति यानी ड्यूरेशन, कुछ किया था याद है उत्तराध्यन में, चार प्रकार से बंद होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये चारों के अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है और जो उसका ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। मान लो मैंने अभी तुम पर क्रोध किया और सुपर इंटेंस क्रोध किया, अब ये तो कर्म बन गया, अब ये कर्म हो सकता है 4 साल बाद उदय में आने वाला है, 4 साल बाद, यानी टाइम बॉम्ब तो सेट हो गया। अब वो टाइम बॉम्ब कब वहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है, 4 ईयर्स के बाद, लेकिन मुझे अचानक किसी सत्संग में ये थॉट आया, अरे आई डिड अ रॉन्ग थिंग, मुझे क्षमा का भाव आया उस व्यक्ति के लिए, खेद का भाव आया अपने उस कृत्य के लिए, तो जितना जितना आप उसका खेद कर रहे हैं, जितना जितना आप उसका पछतावा कर रहे हैं, उतना क्या हो रहा है, वो 4 साल के बदले खींच के कहाँ आ रहा है, 2 साल में उस कर्म का उदय आएगा तो सही, लेकिन 2 साल में तुम और इंटेंस कर रहे हो तो 1 साल में। उस टाइम पे ये था कि इसका कर्म का उदय चलेगा 6 दिन तक, लेकिन जैसे जैसे आपने पश्चाताप किया, अब वो 6 दिन में से हो गया 3 दिन, 3 दिन में से हो गया 1 दिन, 1 दिन में से और खेद हुआ 1 घंटा, और 1 घंटे पर आते आते तुमने जो साधना का उसके ऊपर, क्योंकि वी हैव योगिक मेडिटेशंस, तुमने जो साधना का प्रहार किया कि वहीं के वहीं कर्म को भस्म कर दिया। दिस इज द साइंस। अपवर्तन की क्रिया होती है, यानी ये कर्मों के अंदर शुभ अशुभ दोनों में होता है, उद्वर्तन की क्रिया भी होती है, अपवर्तन की भी होती है। ज्ञानी इस ढंग से भी अपने कर्मों को पास ले आते हैं, इन क्रियाओं से उनका भी व्यापार का जो उदय था वो हो सकता है 6 जन्मों बाद आने वाला हो, लेकिन उनका तो अभी अंतिम अंतिम जन्म चल रहा है, एका जन्म है इसके बाद, तो वो क्या करते हैं, 6 जीवन के बाद जो व्यापार का उदय आने वाला हो वो सारा अभी आना शुरू हो जाता है,
निपटाओ, खत्म करो और आगे बढ़ो। ये ज्ञानी की कर्मों की स्थिति होती है। तो इतनी बात का निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध कर्म भोगे बिना निवृत्त नहीं होते, निवृत्त नहीं हो सकते, नहीं लिखा, नहीं होते, उनको भी लगता है भुगत लो। और बिना भोगे निवृत्त होने की ज्ञानी की कोई इच्छा नहीं होती, आगे लिखा है। ज्ञानी के सिवाय दूसरे जीवों को भी कितने ही कर्म हैं कि जो भोगने पर ही निवृत्त होते हैं, अर्थात वे प्रारब्ध जैसे होते हैं। तथापि भेद इतना है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति मात्र पूर्व उपार्जित कारण से होती है और दूसरों की प्रवृत्ति में भावी संसार का हेतु है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी जब कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पूर्व में बांधा था, अब उसको भुगत के फाइल को क्लोज कर रहा है। और अज्ञानी जब कोई व्यवसाय कर रहा है तो वो आगे के लिए बांध रहा है। कितनी बड़ी पूरी जात्यांतर हो गया तुम्हारे कर्म और ज्ञानी के कर्मों के बीच की जो जाति है ना, वही पलट गई। ज्ञानी क्रोध भी कर रहा है ना, तो वो उसका क्रोध वेदनीय कर्म का कोई उदय आया है, इस वजह से कर रहा है। पूर्व का कोई क्रोध बांधा था, सत्ता में पड़ा था, उदय में आया, इसलिए क्रोध कर डाला। और तुम क्रोध कर रहे हो, आगामी कितने जन्मों के बाद उसका उदय आएगा, कितना बड़ा संसार बांध रहे हो। एक कपड़ा तुम खरीदने जाते हो और एक कपड़ा है जो मैं खरीदने जाती हूँ। मेरे सत्ता में पड़ा था कि मुझे ऐसा कुछ खरीदने का, मेरा कोई प्रारब्ध का उदय था, इसलिए मेरा तो ये खरीद कर मेरी फाइल बंद हो गई। और आप जब खरीदने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आगे के लिए नया पेश तुम्हारी उस फाइल के अंदर घुस रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कितना जात्यांतर है? इसलिए परम कृपाणु देव ने कहीं पीछे हाथ नोद में एक बहुत अच्छा लिखा है, सम्यक दर्शन को नमस्कार करते हुए, कि हे सम्यक दर्शन, हम तुझे नमस्कार करते हैं क्योंकि एक पल के लिए जो तू प्रकट हुआ तो मेरे कर्मों की जाति का ही अंतर कर डाला, जाति का ही भेद कर डाला। उससे पहले जितने कर्म करता था मैं भविष्य में बांधने के लिए करता था, अब जितने कर्म होते हैं पूर्व का निपटारा करने के लिए होते हैं। क्या सम्यक दर्शन की महिमा होगी? इजंट इट वर्थ इट? हाँ, कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए, अभी ज़्यादा टफ टफ वर्ड्स मुझे नहीं यूज़ करने, तुम्हें पता चल जाए मैं कौन हूँ, बस ये पता चल जाए तो तुम्हारे भावी संसार जो भी आगे है वो सब खत्म होते हैं। इसलिए ज्ञानी का प्रारब्ध भिन्न होता है। चाहे सेम टेबल पर बैठ कर खा रहे हैं लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध अलग है, मेरा प्रारब्ध अलग है, ज्ञानी का बिल्कुल अलग चलेगा। इस प्रारब्ध का ऐसा निर्धार नहीं है कि वह निवृत्ति रूप से ही उदय में आए। जैसे श्री कृष्ण आदि ज्ञानी पुरुष कि जिन्हें प्रवृत्ति रूप प्रारब्ध होने पर भी ज्ञान दशा थी, जैसे गृहस्थ अवस्था में श्री तीर्थंकर, इस प्रारब्ध का निवृत्त होना केवल भोगने से ही संभव है। कुछ कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर तुम्हें उसको भुगते बिना छुटकारा ही नहीं, और तुम्हारा भुगतना दूसरों के कल्याण हेतु होता है। तुम उसे भुगत रहे हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे के कल्याण रूप होता है, दूसरे के फायदे के लिए होता है, इसलिए ज्ञानी का प्रारब्ध भुगता जाता है। इस प्रारब्ध का निवृत्त होना केवल भोगने से ही संभव है। कितनी ही प्रारब्ध स्थिति ऐसी है कि जो ज्ञानी पुरुष के विषय में उसके स्वरूप के लिए जीवों को संदेह का हेतु हो, यस और नो? कितनी ही प्रारब्ध स्थितियां ऐसी होती है कि ज्ञानी पुरुष के विषय में भी जीवों को संदेह हो जाता है, क्योंकि दिखता तो समान ही है ना, जैसा तुम खा रहे हो वैसा वो खा रहे, जैसे तुम सोते हो वैसे वो सोते हैं। लेकिन कितनी ही इसीलिए ऐसी स्थितियां होती है जिससे जीव को ज्ञानी के प्रति संदेह का हेतु हो, और इसलिए ज्ञानी पुरुष प्रायः जड़ मौन दशा रखकर अपने ज्ञानित्व को अस्पष्ट रखते हैं, ज़्यादा उसको प्रकट में, ज़्यादा उसको लोगों तक नहीं स्पष्ट रूप से बताते। तथापि प्रारब्ध वशात वह दशा किसी के स्पष्ट जानने में आए, ऐसा हो सकता है किसी का कर्म का उदय ऐसा है कि उसे ज्ञानी की दशा स्पष्ट जानने में आए, तो फिर उसे उस ज्ञानी पुरुष का विचित्र प्रारब्ध संदेह का कारण नहीं होता। यानी इसी सभा में बैठे लोग, किसी को डाउट हो सकता है, किसी को डाउट नहीं हो सकता, वचन में नहीं दशा में। वचन तो सबको अच्छे लगेंगे क्योंकि इट इज़ लॉजिकल, लेकिन दशा के अंदर किसी को डाउट हो सकता है कि सच में ज्ञानी होंगे, और किसी को हो सकता है नहीं बिल्कुल पूर्ण ज्ञानी ही है,
तो वो भी किस प्रारब्ध से? तुम्हारे अपने प्रारब्ध के कारण। और ये कैसे जाएगा? ये कैसे जाएगा? ये कैसे जाएगा? श्रद्धा ही तो नहीं हो रही। श्रद्धा से कैसे जाएगा? यहाँ शल्य क्या है, प्रश्न है मेरा आपको, कि एक ही सभा में बैठे हैं आधे लोगों को बिल्कुल संदेह नहीं है, उन्हें बिल्कुल लगता है कि ज्ञानी की दशा है, और आधे को लगता है कि नहीं, बात बढ़िया कर रहे हैं पर ज्ञानी वाली वो हंस वाली दशा होगी भी कि नहीं होगी, इसका डाउट है। अब ये कैसे जाएगा? हमारे अंदर कुछ कुछ होता है। किसी ने खेत बोला, खेत। जब जब ऐसा विचार आए, टेक अ पॉज वहीं पर, जैसे विचार कि ये दशा होगी भी कि नहीं होगी, वी डाउट, टेक अ पॉज। तुम बस थोड़ा वहाँ अटक ही गए ना, वहाँ पॉज लिया ना, वहीं से यू टर्न लेना शुरू हो जाओगे, बिकॉज ये ज्ञानी की दशा का विचार चल रहा है, और ज्ञानी के बारे में कोई भी विचार चल रहा है उसमें तुम्हें घुमाने का की क्षमता है। ज्ञानी के बारे में कोई भी विचार चल रहा है ना, वो तुम्हें घुमा देगा। इसलिए भले ही संदेह का विचार चल रहा है, लेकिन उस संदेह को पोषण मत दो, उस संदेह के साथ और प्रश्न मत उठाओ, बस वो संदेह हुआ, जानो हाँ संदेह है, मुझे संदेह हो रहा है वो दशा होगी भी कि नहीं होगी, बस इतना ज्ञानी के बारे में सोचा ना, चूंकि ज्ञानी वर्ड आ गया ना, इज इट इज अ पावर टू ट्रांसफॉर्म, सो नाउ गॉन। आगे श्री शिक्षा पत्र ग्रंथ को पढ़ने, और अच्छा इसमें आज्ञा क्या है? आज्ञा इसमें बोधात्मक आज्ञा ही है, और यही है, पहली तो ये कि इतनी बात का निश्चय रखना कि ज्ञानी पुरुष को भी प्रारब्ध कर्म भोगे बिना निवृत्ति नहीं होती, निकाचित प्रारब्ध कर्म। और दूसरी बात ये है, ये भी बोध है, प्रारब्ध वशात वह दशा स्पष्ट में आए या न आए, लेकिन तो फिर उसे उस ज्ञानी पुरुष का विचित्र प्रारब्ध संदेह का कारण नहीं होता। बोध रूप ही आ गया है, कोई डायरेक्ट आ गया इसके अंदर नहीं है, केवल अपनी दशा के बारे में बात कर रहे हैं। अंबालाल को जो समझना है वो उसे समझ ले। श्री शिक्षा पत्र ग्रंथ को पढ़ने और विचारने में अभी कोई बाधा नहीं है। जहाँ किसी संदेह का हेतु हो वहाँ विचार करना अथवा समाधान पूछना योग्य हो तो पूछने में भी प्रतिबंध नहीं है। सुदर्शन सेठ पुरुष धर्म में थे, तथापि रानी के समागम में वे अविकल थे। अत्यंत आत्मबल से काम का उपशमन करने से काम इंद्रिय में अजागृति ही संभव है, और उस समय रानी ने कदाचित उनकी देह का संसर्ग करने की इच्छा की होती तो भी श्री सुदर्शन में काम की जागृति देखने में न आती, ऐसा हमें लगता है। एक जैन पूरी स्टोरी लाइन के अंदर एक स्टोरी आती है सुदर्शन सेठ की, सुना रखी है मैंने पहले, आजकल स्टोरीज नहीं सुनाती ना, इसलिए पिछली बार के सत्संग के बाद गौतम प्रभु लोग आके मुझे इतना खुशी खुशी बता रहे थे, वाह आपने पहली स्टोरी सुनाई धम्मपद के सत्संग में, मतलब स्टिल यू नीड स्टोरी सेशंस, मेरा एक्चुअल सिलेबस तो खत्म नहीं होता, मैं तुम्हें कहाँ बीच बीच में स्टोरी सुनाती फिरूँ, तो इसलिए मैंने स्टोरी पार्ट बिल्कुल ऑमिट कर दिया। लेकिन गौतम प्रभु ने मुझे खास रिक्वेस्ट की, थोड़े थोड़े सत्संगों में कभी कभी एकाध ऐसी स्टोरी धम्मपद की सुनाया करो, तुम्हारा क्या सुझाव है? आपकी पक्ष में आ गए लोग सारे। एक्चुअली धम्मपद के सत्संगों में स्टोरीज ही स्टोरीज हैं, ये तो मेरा कुछ विचार ऐसा था कि धम्मपद को नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार किया जा सकता है, और उसके लिए उसे न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के साथ में रिलेट कर रही हूँ। अदरवाइज धम्मपद के एक्चुअल किताबें आप उठा के देखोगे तो उसके अंदर खाली स्टोरीज ही स्टोरीज है, उसमें कोई बोध तो है ही नहीं। बोध के नाम पर दो तीन लाइंस लिखी होगी, वो उस सूत्र का अर्थ होगा, बाकी तो भगवान ने, तथागत ने, बुद्ध ने ये सूत्र क्या देख कर कहे, क्या सोच कर कहे या क्या देख कर कहे, वो पूरी कथाएँ कथाएँ चल रही है, पर आई विल ट्राई किस तरह से मैं इनकॉर्पोरेट करूँ। सुदर्शन सेठ की कहानी सुनाऊँ अभी? लंबी कहानी है, उसको कट शॉर्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी कामेंद्रिय वाली ही बात आ रही है, तो मैं खाली उतनी ही बात करके इसको छोड़ती हूँ, बहुत लंबी स्टोरी तो, और अलग अलग मान्यताओं में अलग अलग ढंग से हैं। सुदर्शन सेठ यानी ही वॉज वेरी रिच एंड वेरी फेमस एंड वेरी हैंडसम मैन, हैविंग गुड गुड फैमिली, वन सन, सब कुछ था उनके।
एक बार वो अपनी साधना में लीन थे, क्योंकि जैसे ही उन्हें भगवान महावीर का बोध मिला तो वो साधना की तरफ प्रवृत्त होने लगे। तो वो कहीं साधना कर रहे थे और वहाँ से रानी निकली। अभयमती रानी की बात आती है कि वो रानी वहाँ से निकली और रानी इनके रूप के प्रति बहुत आकर्षित हो गई और उन्होंने देखा, पूछा, समझा ये कौन है, और उन्होंने जाके डायरेक्ट उनसे बात करी कि मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ और आपको काम क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करती हूँ। लेकिन उन्होंने तो वहीं के वहीं बोल दिया, तुम्हें मुझसे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैं तो नपुंसक हूँ। उन्होंने सीधा अपनी रक्षा करने के लिए, अपने शील की रक्षा करने के लिए, ऑल दो ही हैड अ फैमिली, ही हैड गुड सन एंड एवरीवन, लेकिन अपने शील की रक्षा करने के लिए अब रानी से मुंह कौन लगेगा, और वो रानी वैसे भी थोड़ी व्यभिचारी थी, तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, अरे मुझसे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला, मैं तो नपुंसक आदमी हूँ, अपनी साधना में लगा हुआ हूँ। उस समय रानी वहाँ से चली गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको वापस पता चला कि ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली। उसके पास तो फैमिली है, पत्नी है, पुत्र है, वो तो बिल्कुल एक अच्छा स्वस्थ इंसान है, वो नपुंसक नहीं है। अब वापस उसको गुस्सा आया कि अरे इसने मुझे छला, और इतनी उसकी काम उत्तेजना थी कि किसी भी तरह से मुझे ये पुरुष चाहिए। तब उसकी जो दासी थी, कपिला दासी की बात आती है, वो दासी एक पूरा प्रोग्राम बनाती है, एक क्या कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र क्रिएट करती है कि किस तरह से इनको महल में लाया जाए, किस तरह से, और इनके लिए जो रानी को जो भी उनसे इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण कराया जाए। तो कुछ दिनों के लिए सुदर्शन सेठ अपनी साधना में, तब के समय में श्मशान में साधना करते थे, तो श्मशान में साधना कर रहे होते हैं। उनकी साधना का कुछ ऐसा निर्णय होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं आगामी कुछ घंटों तक बिल्कुल हिलूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं। यहाँ उन्होंने ये निर्णय किया, और वहाँ उस रानी ने उस दासी के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र बनाया कि उन्हें श्मशान से उठाकर सीधा महल में ले आए। इन्होंने ये निर्णय किया है, मैं हिलूंगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तो साधना में खड़े हैं, उठा के सीधा महल में ले आए। महल में आने के बाद ये तो अपनी साधना में मस्त है, रानी ने उनको अलग अलग ढंग से उत्तेजित करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से तुम मेरे साथ इस क्रीड़ा के अंदर प्रवेश करो, लेकिन ये तो मौन मौन मौन, पूरी रात यूं ही निकल गई। दिन होने लगा, तब उस दासी ने वापस याद कराया, कह रहे अब इसको यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि अगर इनको यहाँ देख लिया गया तो रानी के व्यक्तित्व पर शक होगा। लेकिन अब रानी की जो वासना थी, तुम खुद ही सोचो ये वासना अब धीरे धीरे किस में परिवर्तित होगी, क्रोध में, द्वेष में, रिवेंज में, क्योंकि व्हाट शी वांटेड शी डिडंट गॉट। तो एक बार तो वासना है, उस व्यक्ति के प्रति कितना राग, वासना क्या है, राग, और राग भी उस लेवल का जहाँ काम तक पहुँच गया, उस लेवल पर आ गया, और उस राग की जब पूर्ति नहीं हुई तब वो किस पर ट्रांसफर हो रहा है, ये जीवन का नियम है, यदि राग है तो द्वेष है ही है, जिससे उस काम की पूर्ति नहीं हो रही अब उसी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि दिन का उजाला हो रहा है, अब अगर राजा देख लेंगे या द्वारपाल देख लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, तो अब इसको वापस कैसे छोड़ के आए वहाँ पर। तो वापस छोड़ने के बदले रानी ने क्या किया, अपने कपड़े वपड़े फाड़े और उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि दिस मैन हैज़ एंटर्ड इन अवर पैलेस, हमारे महल में घुस गया, रात को इसने मेरे साथ सारा कुकर्म कर दिया। राजा आए, उन्होंने इनसे पूछा क्या हुआ, क्या सच में क्या ऐसा, तुम तो साधु किस्म के इंसान दिखते हो लेकिन रानी अभयमती ऐसा बोल रही है, तो कैसा हुआ, लेकिन इन्होंने धारणा क्या की है, अब ये तो मौन में, अंदर चल रहा होगा कुछ, लेकिन देखो इसी को पॉज कहते हैं, आज पॉज की बात चल रही है ना, किस लेवल का पॉज है कि इन्होंने एक बार अपने साथ ये निश्चय किया कि आगामी 24 घंटे तक अब मुझे बोलना नहीं है, तो एकदम कितनी बड़ी एक आपत्ति सिर पर आ गई है, लेकिन वो अपने निश्चय में बिल्कुल अड़िग है। राजा ने पूछा एंड ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो राजा ने कहा ठीक है, अगर इसका मतलब है रानी जो भी कह रही है वो सब सच, और वहीं के वहीं उनको मारने के लिए सूली तैयार करने की बात करते हैं। वो सूली तैयार करने की अभी शुरुआत ही करते हैं, और मतलब वो सारी क्रिया चल रही है, सूली मतलब फांसी, कि इनको फांसी पर लगा दिया जाए। तो बस अंत अंत में उनका समय पूरा होता है, तो वो आंखें खोलते हैं सुदर्शन जी,
सुदर्शन सेठ आंखें खोलते हैं, वो आंखें खोलते हैं तो राजा बोलते हैं कि ऐसा कुकर्म तुमने किया है और अब तुम्हें हम फांसी की सजा दे रहे हैं, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बोलो। वो कहते मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं नवकार मंत्र बोल लूँ। तो उन्होंने नवकार मंत्र बोला और उसी समय जैन शास्त्र में ऐसा लिखा आता है कि सूली का सिंहासन बन गया, उसी समय वो सिंहासन में कन्वर्ट हो जाता है। यस यू शुड क्लैप। ऐसा किसका शील। बहुत सारी ऐसी कथाएं आती है और ये बहुत लंबी कथा है, मैंने जैसे कट शॉर्ट करके बताया कि पूर्व जन्मों से चल रहा है। फिर ये रानी मर जाती है, फिर ये रानी व्यंतरदेव बनती है, फिर ये व्यंतरदेव बनती है, फिर ये इनको बहुत तंग करती है, फिर आगे आगे बहुत लंबा लंबा चलता है ये। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, ये क्या दे रहे हैं कि जब भी कोई नियम लिया है तो उस नियम में तटस्थता सुदर्शन सेठ के जैसी होनी चाहिए। ये कहानी की बात इसीलिए आई है यहाँ। हम लोग तो विवेक पर डाल देते हैं, अरे इतना विवेक रख लो ना, कोई बात नहीं, अभी हम ऐसा नहीं, हम प्रायश्चित पर डाल देते हैं, अभी अपना नियम तोड़ देते हैं, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, ऐसा ही करते हैं ना। हम भी करते थे जब छोटे थे तब, कि अभी नियम तोड़ दो बाद में प्रायश्चित लेंगे। लेकिन सुदर्शन सेठ को ऐसा नहीं सोचता, वो कहते हैं नहीं, अगर नियम मैंने ले लिया है और जान लेवा आपत्ति आई है सिर पर, इजंट इट, रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया, राजा के सामने खड़ा कर दिया गया, लेकिन ही सेड नो मींस नो। ये एबिलिटी कहाँ से आई, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग पॉज इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जब तक तुम, ये विल पावर कहाँ से आया, ये इच्छा शक्ति तुम्हारी डेवलप कैसे हुई कि नहीं मतलब नहीं। देखो पता तो सभी को है, लेकिन कहा ना नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति डेवलप कैसे होगी, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग पॉज इन लिटिल लिटिल थिंग्स। सुदर्शन सेठ पुरुष धर्म में थे, वो नपुंसक नहीं थे, तथापि रानी के समागम में वे अविकल थे, उनके अंदर से कुछ भी हिला डुला नहीं। अत्यंत आत्मबल से काम का उपशमन करने में, बहुत आत्मबल लगता है, विल पावर की बात कर रही हूँ मैं, आत्मबल यानी विल पावर। आत्मबल क्या है, योर ओन विल पावर। आत्मबल यानी इनर स्ट्रेंथ, कि नहीं करना मतलब मुझे नहीं ही चलित होना। अत्यंत आत्मबल से काम का उपशमन करने से काम इंद्रियों में अजागृति हुई संभव है। वो काम इंद्रियां अजागृत हो गई और उस समय रानी ने कदाचित उनकी देह का संसर्ग करने की इच्छा की होती तो भी श्री सुदर्शन में काम की जागृति देखने में न आती, ऐसा हमें लगता है। इतने तटस्थ थे अपने नियम में। मेक श्योर हमारे नियम भी तटस्थ हों। अंतिम ये भी एक ले लेती हूँ, तीन बातें हैं इसमें भी। शिक्षा पत्र, क्योंकि शिक्षा पत्र ग्रंथ पढ़ रहे थे तो ऐसी बहुत कहानियाँ उनके दिमाग में चल रही थी, ऐसे बहुत जैन शास्त्र के, जैन इतिहास के जो कथाएँ थी उन सबका वो विचार करके श्रीमद से चर्चा करते थे। शिक्षा पत्र ग्रंथ में मुख्य भक्ति का प्रयोजन है। भक्ति मतलब कुछ तो बोल दो, इतनी बार भक्ति सूत्र बोल चुकी हूँ पूरा। प्रेम ठीक है, और निष्कामता। भक्ति मतलब श्रद्धा। हाँ कुछ तो बोलो। हाँ, हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास और उल्लास। भक्ति का एक महत्वपूर्ण अर्थ हमेशा याद रखना, वननेस, अखंडता। हाँ अखंडता, विभक्त यानी खंड और भक्त यानी अखंड। विभक्त होना यानी जब भी भक्ति की बात आए और अखंडता की बात ना आए, वननेस की बात ना आए, तो भक्ति का संपूर्ण स्वरूप नहीं समझा। ये सब है, प्रेम है, श्रद्धा है, स्मरण है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति की चर्चा हो और वननेस की चर्चा ना हो तो वो अधूरी चर्चा है। भक्ति का ही मुख्य प्रयोजन है। भक्ति के आधार कौन कौन है, कहा विवेक, धैर्य और आश्रय। इन तीन गुणों की उसमें विशेष पुष्टि होती है। भक्ति के तीन, भक्ति किसको आधार देती है, भक्ति आने से क्या होता है, पहला विवेक प्रकट होता है, दूसरा धैर्य और तीसरा आश्रय बुद्धि। कह रहे प्रभु है ना, प्रभु है ना, ईश्वर है ना, वो देख रहे हैं ना। आई कैन नॉट सी द बिग पिक्चर बट गॉड इज लुकिंग एट द बिगेस्ट पिक्चर। तो वो आश्रय बुद्धि प्रकट होती है हमारे भीतर।
तो भक्ति आने से क्या प्रकट होता है? भक्ति आने से विवेक प्रकटता है, धैर्य प्रकटता है और आश्रय बुद्धि, इन तीन गुणों की उसमें विशेष पुष्टि होती है। किसमें? भक्ति में। भक्ति आने से उसमें धैर्य और आश्रय का प्रतिपादन विशेष सम्यक प्रकार से किया है। धैर्य आता है, प्रतीक्षा करने का सामर्थ्य आता है, और आज की भाषा में कहूँ तो पॉज लेने का सामर्थ्य आता है। आज जो भाषा चल रही है पॉज की भाषा चल रही है। तो ज्यों ज्यों तुम में भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों तुम में वो धैर्य, प्रतीक्षा, संयम, पॉज, इन सब की क्षमता तुम्हारी आपोआप बढ़ती जाएगी। और ये भक्ति, अभी चलो तुमने तो ईश्वर को देखा नहीं है, ईश्वर को नहीं देखा कभी, तो ईश्वर के प्रति ना हो, पर इसीलिए श्रीमद ने कहा ये भक्ति किसी ज्ञानी के प्रति कर दे तू, क्योंकि ज्ञानी के प्रति भी की तो भक्ति किसके प्रति की? उस निराकार ईश्वर के प्रति ही। इसलिए जिसको देखा है वहां से शुरू करो, तो ये भक्ति ज्ञानी के प्रति तो हमारे लिए अनिवार्य हो गई। और वह भक्ति क्या करती है? धैर्य और आश्रय। धैर्य प्रकटाती है, पॉज लेने की क्षमता को प्रकटाती है, और आश्रय प्रभु है ना, बस ये ध्यान इसमें विशेष सम्यक प्रकार से किया है, जिन्हें विचार कर मुमुक्षु जीव को उन्हें स्वगुण करना योग्य है, अपने जीवन में उतारना योग्य है। इसका विचार करके ये तीनों विवेक, धैर्य और आश्रय। विवेक तो सत्संग सुनते सुनते ही प्रकट होने लग जाएगा, विवेक, विचार, ये सब तो प्रकट हो जाएगा, लेकिन धैर्य जब समय आए, उस समय सुदर्शन शेठ जैसा धैर्य, उन्होंने नहीं सोचा कि अभी चलो ना कर लो, रानी इनवाइट कर रही है, रानी उस राज्य की, शी इज इनवाइटिंग मी फॉर दिस थिंग, तो चलो ना कर लो, उसके बाद तो मुझे साधना करनी है ना, उसके अंदर सारा कुछ प्रायश्चित हो जाएगा, निद्रा तो हो जाएगी। ही डिडंट पुट दैट कुतर्क, जिसे हम कुतर्क कहते हैं, लॉजिक है लेकिन गलत लॉजिक लगाया। कैसे प्रकट होगा ये? जब किसी सत्पुरुष के प्रति तुम्हें भक्ति प्रकट रही है, क्योंकि सीधा ईश्वर के प्रति वो भक्ति नहीं प्रकटेगी, तो कोई थोड़ा जो तुम जैसा है और थोड़ा तुम जैसा नहीं है, थोड़ा तुम जैसा है लेकिन थोड़ा तुम जैसा नहीं है, यानी वो सद्गुरु है। सद्गुरु की एक सिंपल डेफिनेशन, थोड़ा हमारे जैसा, ठीक है। जैसे ये भक्ति प्रकटती है तो इसके आधार रूप तीन चीजें प्रकटती है, विवेक, धैर्य और आश्रय। उसमें धैर्य और आश्रय का प्रतिपादन विशेष सम्यक प्रकार से किया है, जिन्हें विचार कर मुमुक्षु जीव को उन्हें स्वगुण करना योग्य है। यह आज्ञा है, तुम्हें अपने जीवन में क्या लाना है? विवेक, धैर्य और आश्रय। और आज तो मैं भी बार बार धैर्य की बात कर रही हूँ ना, पॉज पॉज पॉज। इसमें श्री कृष्ण आदि के जो जो प्रसंग आते हैं वे क्वचित संदेह के हेतु होने जैसे हैं, तथापि उनमें श्री कृष्ण के स्वरूप की समझ फेर मानकर उपेक्षित रहना योग्य है। क्योंकि भागवत में भी कृष्ण के इतने इतने सारे ऐसे प्रसंग हैं कि हमें समझ ही नहीं आता, हाउ इज इट पॉसिबल, कोई एक इंसान इतने सारे डिस्टिंक्टिव रोल्स के अंदर कैसे कार्य कर सकता है, और फिर वो इंसान मरा भी, उसका जन्म भी हुआ, तो कहीं ना कहीं ही इज इन द बाउंड्रीज ऑफ जन्म और मरण, और उसके बाद भी वो इतना ऑल पावरफुल हो सकता है। कितने ही संदेह उठते हैं, कितने ही प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो प्रश्न क्यों उठते हैं? क्योंकि हमें कृष्ण के स्वरूप की समझ नहीं है। यहाँ पर प्रभु भी यही लिख रहे हैं, कृष्ण के स्वरूप की समझ फेर मानकर उपेक्षित रहना योग्य है, उस चर्चा में ज़्यादा जाओ ही मत। मुमुक्षु का प्रयोजन तो केवल हित बुद्धि से पढ़ने विचारने का होता है, मेरे लिए क्या उपयोगी है वो बात निकालो और आगे चलो। 487 में खाली बोध है, 488 में भी बोध ही है, और 489 में एक आज्ञा है कि यदि ज्ञानी के प्रति भक्ति प्रकटती है तो विवेक, धैर्य और आश्रय ये तीनों भी प्रकटने चाहिए। 487, 88, यस। वानप्रस्थ में मेरे साथ जो जो जा रहे हैं, यहाँ पर हैं कोई, बैठे हैं वानप्रस्थ वाले? ओके, हाँ, आप लोगों का शिक्षा पाठ 56 यानी क्षमापना का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको सत्संग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन खाली आपने वो क्षमापना के सत्संग देखना मत शुरू कर देना, क्योंकि जो मैंने पेपर डिज़ाइन किया है वो खाली क्षमापना पाठ में से डिज़ाइन किया है। यानी अगर आपको क्षमापना पाठ भी अच्छे से समझ में आता है, एक एक वर्ड उसका, तो
तो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 45 मार्क्स. इतना इजी पेपर है, 50 में से 45 तो किसी के भी आ जाएंगे. Aren't you happy? Yes. 45 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे. इट्स सच एन ईजी एग्जाम.